सो दैट्स द ऑफिशियल नौका विहार ऑफ कानपुर, पहला इकलौता कानपुर का बोट क्लब जो अब हमारा हो चुका है और हम इसके हो चुके हैं मोटर बोट से लेकर मैनुअल बोट, ड्रैगन बोट से लेकर पुंतड़ू बोट, बाइक वाली बोट सब यहां पर मिलेगी। आज का सफर और आज की नज़र कानपुर के पहले इकलौते और सबसे शानदार धमाकेदार बोट क्लब से। कुछ लोगों को पानी में तैरते हुए लगा दिया। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉन्डर अभिषेक। मैं हूँ कानपुर की आन बान शान, द बिगेस्ट हैंगआउट स्टेशन ऑफ कानपुर, गंगा बैराज। और गंगा बैराज में इनॉग्रेट हुआ है ये नया नवेला बोट क्लब। टूरिज्म को बढ़ावा देने के मकसद से यहाँ पर शुरू किया गया है। तो कानपुर के इस ऑफिशियल सो कॉल्ड पहले बोट क्लब में क्या है, कैसा है और कितने में है, आज का सफर और आज की नज़र कानपुर के सो कॉल्ड बोट क्लब से, पहले बोट क्लब से। लेट्स गो, आइए। यहाँ पर ये एंट्री चेक इन पॉइंट है और कैटेगराइज किया गया है एंट्री टिकट्स को 50 rupees, 80 rupees एंड 100 rupees विद इन टाइम। और द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि टाइम का जो स्लॉट है, इफ़ यू स्टे बियॉन्ड द टाइम लिमिट देन यू हैव टू पे एक्स्ट्रा। यानी कि अगर आप तय टिकट के हिसाब से ज़्यादा समय रुकते हैं, जैसे मान लीजिए 50 rupees का मेरा टिकट है और मैं 2 घंटे से इधर ऊपर रुक रहा हूँ, तो 50 rupees या 100 rupees अतिरिक्त देने पड़ेंगे एडिशनल। अंदर जो रास्ता जा रहा है zigzag, कितना लंबा चलना पड़ेगा पैदल? आधा किलोमीटर। ई रिक्शा अंदर जाने के लिए अंदर जाता है। अच्छा, तो ये देखिए, चूँकि आधा किलोमीटर का ये दायरा है, जो लोग पैदल नहीं चल सकते उनके लिहाज से, परिवार हैं, बच्चे हैं, एजेड लोग हैं, उनके लिहाज से ई रिक्शा चलते हैं। कितने पैसे लेते हो यहाँ से वहाँ तक? 10 rupees पर सवारी के हिसाब से, और मेरे ख्याल से 5 से 7 मिनट में पहुँचा देते होंगे। दिस इज द वे वी आर गोइंग टूवर्ड्स दी बोट क्लब। और देखिए ये आसपास का जो नज़ारा है, इसको देखकर ऐसा लगता है बिल्कुल कि हम किसी सफारी में, जंगल सफारी में घूम रहे हैं। ये देखिए, तो ये जो रास्ता ये जा रहा है हमारा, ये जो चल रहे हैं, इसमें क्या क्या मिलेगा हमको? इसमें जो है यही फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट है, ये बिल्कुल देखिए सफारी वाला फील आता है बिल्कुल। और बाइक वाइक ला सकते हैं यहाँ? नहीं, यहाँ बाइक नहीं है। वही जो ई रिक्शा वाला हमने आपको टिप टॉप तरीका बताया था, वो ई रिक्शा यहाँ से जा सकता है और उसी के थ्रू आप वापस आ सकते हैं। अदरवाइज यू कैन गो बाय पहिया पहिया और लौट के भी आप आ सकते हैं पहिया पहिया। तो उस वाले मेन एंट्रेंस के बाद ये एंट्रेंस का हमें गेट मिला है। तो अभी तक आप गंगा बैराज को उस पार से देखते थे, लेकिन अब पहली दफा आप गंगा बैराज का जो दीदार है वो इस पार से करेंगे, जिस साइड से ये बांध है। दैट्स दी काउंटर सेक्शन ऑफ बोटिंग क्लब। यहाँ पर बोटिंग का टिकट अलग मिलता है। आप जो कर रहे हैं अपने जिम्मे पे कर रहे हैं क्या भाई साहब? क्या क्या आपने साइन किया उसमें कि जो कुछ होगा हम जिम्मेदार खुद होंगे? बिल्कुल, नाचने के, कूदने के, नहाने के, धोने के, सबके जिम्मेदार हम खुद होंगे। सो दैट्स दी डिक्लेरेशन फॉर्म। जैसे घाट के किनारे प्लेटफॉर्म्स बने होते हैं बैठने के लिए, यहाँ पर भी कमोबेश उसी तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, सो कॉल्ड एम्फी थिएटर पे जैसा होता है। और देखिए एक वो बोट आ रही है। ओए, टक्कर हो गई। आई एम विद माई गियर्स और ये सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिहाज से एक थुंतरू नुमा ये जैकेट पहनाते हैं, थोड़ी अजीब सी है, बल्की बल्की सी, लेकिन पानी के लिहाज से बहुत जरूरी है सेफ्टी के लिहाज से। 175 पर हेड पर पर्सन इसमें या उसमें। और वो जेट की जो वो स्कूटर जैसी है उसमें दो लोग बैठते हैं, एक इनका सपोर्ट के लिए बैठता है और एक राइडर रहता है। 250 पर पर्सन फॉर दैट पर्टिकुलर राइड। और उसमें ओवरवेट या अंडरवेट नहीं जा सकता, 18 साल के नीचे है तो भी नहीं जा सकते, प्रॉपर वेट होना चाहिए, अदरवाइज वो पलट पलट सकती है क्योंकि पानी इधर ऊपर है। सो लहरों का किनारा और कश्ती का नजारा मेरे साथ। तो फाइनली बोट निकल गई और कश्ती की कमान कप्तान साहब के हाथों में। कुछ लोगों को पानी में तैरते हुए लगा दिया। ओ, क्या नजारा है। सो दैट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस कि मैं
एक मोटर बोट में हूँ और वो भी अपने शहर में। ये वाला हिस्सा बैराज के लेफ्ट साइड, जिस साइड बांध है उस साइड वाला हिस्सा सालों से अनएक्सप्लोर्ड था, लोगों को यहाँ आने की इजाज़त नहीं थी। वही लोग आते थे या आ सकते थे जिनके पास लोकल बोट्स थी या जिनके खेत थे, अदरवाइज हमारे आपके जैसे सिविलियंस अनजान थे। और नज़ारा देखिए, लहरों के बीच में कश्ती और कश्ती के बीच में हम। हो सकता है एक पॉइंट पे आपको लगे कि टिकट थोड़ा महंगा है, लेकिन जब आप लहरों के बीच में आते हैं कश्ती के साथ तो लगता है पैसा वसूल है। आंटी कैसा एक्सपीरियंस है आपका, मजा आ रहा है? बाय, मजा आ रहा तुम्हें छोटू? हाँ। अच्छा, इसकी मैक्सिमम स्पीड किस स्पीड से आप चलाते हो भैया? 40 से ऊपर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया कप्तान साहब, बहुत मजा आया आपके साथ। तुम्हें मजा आया कि नहीं आया? आया। कितना आया? बहुत मजा। मुझे तो ये थोड़ा सा प्राइस वाइज थोड़ा सा बाहर एक्सपेंसिव लगा, अदरवाइज इधर बजट ऑन है, फुल पैसा वसूल राइड है। इट्स अ डेड एंड और यहीं तक का ये स्ट्रेच है, एक सेमी सर्कल शेप में आपको ये स्ट्रेच मिलेगा। और दिखाते हैं आगे क्या है। हरीश जी लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं और हरीश जी के अंडर में यहाँ पर बोट हाउस की जिम्मेदारी है, बोट हाउस का रखरखाव और उससे जुड़ा काम देखते हैं हरीश जी। और हरीश जी हमें थोड़ा सा बताइए कि क्या यहाँ का लब्बो लुबाब, क्या हिसाब किताब है कानपुर के इस बोट क्लब का? करूँ, यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी का इस्टेब्लिश करने का है प्लान। ओके। जिसमें कि रोइंग, कैनोइंग और कैकिंग दोनों के। तो यहाँ पे ये मेरा बोट हाउस है, रोइंग की बोट्स हैं इस साइड में ये, हाँ, और ये कैनोइंग कैकिंग की बोट्स हैं। ओके। तो इसके लिए बच्चों को ला के यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, उसका एक प्रोफार्मा पूरा तैयार हो रहा है कि कैसे मेंबरशिप्स रहेंगी, किनको फ्री में सिखाना है बच्चों को, अंडर प्रिविलेज हैं, हाँ, किनको फीस ले के सिखाना है, मतलब जो जॉब वर्क हो, जॉब करने वाले लोग हैं उनसे पैसा लेके कुछ, क्योंकि मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा इसमें लगता है। तो जब तक कोई भी प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल नहीं होगा थोड़ा बहुत, हालांकि रेवेन्यू जनरेशन के लिए रेस्टोरेंट भी स्टार्ट किया गया है, प्लस प्लेजर बोट्स हैं उनसे भी पैसा आ रहा है, तो इसमें भी जो स्पॉन्सरशिप्स मिल जाएंगी तो ज़्यादा बेटर है बच्चों के लिए। यही है हम लोगों का पूरा। लंबी लंबी हैं इसमें कैटेगरी होती है, रोइंग कहलाती है, स्वीप रोइंग। ओके। स्वीप मतलब, हाँ, स्वीप रोइंग कहते हैं। उसमें वेरिएशंस हैं, एक तो स्कलिंग हो जाती है जिसमें दोनों हाथ में चप्पू रहते हैं, हाँ हाँ, वो स्कलिंग होती है, वो स्कलिंग हो गई, ठीक है। और दूसरा सेक्शन हो जाता है स्वीप में, इधर एक चप्पू रहता है, राइट साइड लेफ्ट साइड। तो स्कलिंग में सिंगल स्कल होती है, डबल स्कल होती है और फोर स्कल होती है, प्लस क्वाड्रुपल होती है, आठ लोगों की। स्वीप रोइंग में दो लोग चलाते हैं और चार लोगों का होता है, पेयर एंड फोर्स होती है। ओके। तो ये यहाँ पर चल पाएंगी बैराज में, चल पाएंगी? हाँ, बिल्कुल। और क्या, यहाँ पे जो भी स्ट्रेच है थोड़ा सा इसमें करना पड़ेगा डेवलप, हाँ, एक्सट्रीम एंड में, उधर एक्सट्रीम एंड में नॉर्थ साइड में बिटूर की तरफ तक, हाँ, तो उधर से हम लोगों को पूरा 2 किलोमीटर का स्ट्रेच मिल जाएगा 4 लेन बना के, जिसमें कि 4-9 एक साथ हम लोग जो ओलंपिक लेवल का होता है वैसा यहाँ पे मेंटेन कर सकते। When you enter the boat club, जैसे ही आप boat club के अंदर घुसेंगे, you will get the passage. ये passage आपको एक सेमी सर्कल शेप में मिलेगा, geometry या फिर हम लोग मैथ्स में पढ़ते थे तो एक चंद्रमा होता था, चांद होता था, 5-10 रुपए का आता था, तो उसी शेप में, चांद के शेप में, सेमी सर्कल शेप में, आधा गोल वाले शेप में स्ट्रेच बनाया गया है, बैराज के उस साइड से लेके उस छोर तक है, ठीक है। 500 मीटर के इस स्ट्रेच में आपको ढेर सारी ग्रीनरी, सीनिक व्यूज, फूड कोर्ट, झूले, प्रैम,
व्हील चेयर, बहुत सारी चीजें मिलेंगी एंड स्पेशली दिस सेल्फी पॉइंट्स। सेल्फी पॉइंट्स यहाँ पे तीन चार सेल्फी पॉइंट्स है, एक बोट नुमा है, हमने भी फोटो खिंचाया था उस पर, ये वाला, और इससे इतर एक 2047 का एक इनका कानपुर के लिए जो विजन वाला है, विजनरी बचाऊंगा, आप आगे आइए थोड़ा सा और दिखाइए। ये कानपुर को लेकर जो 2047 का इनका विजनरी सेल्फी पॉइंट है वो बनाया हुआ है। सो दिस इज द स्ट्रेच। नीचे आप उतरेंगे तो आपको बैठने के लिए कुछ स्पेसिफिक हिस्सा मिलेगा, आप आरती का नजारा, सीनिक व्यू और गंगा की लहरों को, बतखों को, डॉल्फिन को देख सकते हैं, और आगे जाएंगे तो आपको वो पंटून पुल, बांध और बाकी हिस्सा दिखेगा। मजा आया? ठीक है, तो हम जब यहाँ पे आए तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कानपुर में भी इस तरीके की प्लेस बन पाएगी। ओके, मतलब इट वॉज रियली अ नाइस एक्सपीरियंस की बोटिंग एंड लाइक फील्स लाइक कि हाँ हम कहीं ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे समंदर की लहरें हो, एक ठंडी ठंडी हवा हो और प्यारी सी बोट शिकारा और हमें अपने आंखों में एक सुकून दिख रहा हो। किसने बाहर और जगह पर भी घुमा होगा उसको एकदम नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल बिलो नॉर्मल लगेगा। यदि 175 ले रहे हैं हाँ। तो ड्यूरेशन ज्यादा होना चाहिए, 7 मिनट्स का पता भी नहीं चलता। अगर एंट्री, अगर इसमें आपको बोट नहीं देना था हाँ। तो आप इसको 30 रुपीज रख सकते थे और 10 रुपए रख सकते थे, 20 रुपए रख सकते थे, ताकि कानपुर के और भी लोग एंजॉय कर पाए जिनके लिए अफोर्डेबल नहीं है। बहुत आदमी रह जाएगा, रह जाएगा, जा नहीं पाएगा। यू हैव टू रेट इट विद इन 10 नंबर्स। तो आप कितने नंबर देंगे इस बोट क्लब को? बाहर के हिसाब से जो हमने थोड़ा बाहर घुमाओ उसके हिसाब से मुझसे 2 नंबर, कानपुर के हिसाब से 8 नंबर। इतना डिफरेंस? I'll give it 8, 7 out of 10. I'll rate 9. Yeah, मेरे अकॉर्डिंग भी 7 to 8 out of 10. It's 9. 9. वो परिवर्तन सेंटर वाला सेल्फी पॉइंट है, उसके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये कानपुर के बोट क्लब का मेन एंट्रेंस है, यहाँ से जाएंगे, टिकट लेंगे अंदर, फिर आप पैसेज में घूमिए, फिर ये फोटो लीजिए, अगर बोटिंग करनी तो टिकट लीजिए, और लहरों के बीच कश्ती पे सफर और नजर। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, हिट द शेयर बटन, और अगर आप इस इलाके के आसपास हैं तो एक बार ये मस्ट वॉच जरूर है। तब तक के लिए विदा रहेगा।